हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। क्या आपने एक बात सोचा है कभी कि हम चाहते तो हैं बहुत कुछ पाने की, पर इसमें सफल नहीं हो पाते? क्या ऐसी कोई तकनीक है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं हासिल कर पाएं? हाँ, एक ऐसी विधा है जिसकी ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2-3 लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2-3 लोगों में से हो जो इसकी काबिलियत रखते हो? तो आज की ये कहानी आपकी आँख खोल देगा और आपको असीम ज्ञान देगा जिसकी उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाला हुआ था। वहां वो धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते पर गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से जा रहा था और साधु की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। ये सुनकर युवक साधु के पास आया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हैं, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। युवक बोला, बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ, क्या कर सकते हो? तब साधु वाला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पे अपना हाथ रखा और कहा, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की हथेली में रखा और कहा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं, जब किसी कार्य पे समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना, अगर ये मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कह के वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे की एक बड़े व्यापारी के पास काम करने लगा। कुछ वर्षों तक वो दिल लगाकर व्यवसाय के हर गुर सीखने लगा और कुछ दिन बाद अपनी मेहनत और लगन से वो अपनी इच्छा भी साकार कर दिया और हीरे की बड़े व्यापारी बन गया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा समय और धैर्य के हीरे मोती अपने पास रखिए। अपने समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का धारण करें और सफलता प्राप्ति करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप भी अब से इन हीरे मोती दोनों को अपने साथ रखेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।